बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाब में बिल्ली को देखने की ताबीर। ख्वाब में बिल्ली देखना घर के मुहाफिज नौकर की तरफ इशारा है। अगर बिल्ली को कुछ झपटते देखा तो उससे मुराद घरेलू चोर है। बिल्ली का पंजा मारना और काटना खादम की खयानत की दलील है। इब्ने सीरीन ने फरमाया कि बिल्ली का काटना एक साल बीमार होने की दलील है। उसी तरह उसका पंजा मारना भी मर्ज की तरफ इशारा है। अगर कोई बिल्ली देखे और इस हाल में देखे कि वो म्याऊं म्याऊं ना कर रही हो तो देखने वाले के लिए एक साल की खुशहाली का पेश खेमा है। और जंगली बिल्ली देखना एक साल तक मुशक्क़त व परेशानी की खबर है। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो बिल्ली बेच रहा है तो वो अपना माल खर्च करेगा। यहूदी कहते हैं कि बिल्ली की ताबीर हमला आवरों और चोरों से दी जाती है। अर्तामीदूस ने कहा है कि बिल्ली देखना मक्कार और एक झगड़ालू औरत की खबर है। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई और उसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि बिल्ली ने मेरे शोहर के पेट में अपना सर डालकर एक बोटी नोच ली है। इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह ने उस ख्वाब की ताबीर ये दी कि तुम्हारे शोहर का 316 दरहम चोरी हो गया है। औरत ने कहा कि किस्सा ऐसा ही है, मगर क्योंकि इसकी इतला हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्ली के नाम के हरूफ की अबजद के हिसाब से के समर में सीन का 60वां, नून का 50वां और 6 का राय का दूसरा 200, उस हिसाब से कुल 316 दरम हुए। इसके बाद पड़ोस के एक गुलाम पर लोगों को शक हुआ, चुनाचा जदों को करने पर उसने इकरार किया। अगर किसी ने देखा कि उसने बिल्ली का गोश्त खा लिया है तो वो शख्स जादू सीखेगा। वल्लाह आलम। प्यारी प्यारी इस्लामी बातों के लिए इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब करें।